दोस्तों गुड म८र्निंग, आज हो चुका है 22 अप्रैल 2019 और आज सोमवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर है। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी केंद्र संचालकों से ऑडिट के नाम पर वसूले 400 रुपए, सीडीपीओ ने जांच की बात कही और ये न्यूज निकल कर आ रही है हरियाणा के जिंद से। महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑडिट के नाम पर आंगनबाड़ी से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। नरवाना क्षेत्र की आंगनबाड़ी की ऑडिट करने के लिए 22 अप्रैल को चंडीगढ़ मुख्यालय से टीम को आना है, लेकिन कर्मचारी उनसे कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं करवानी हो तो वह 400 रुपए दे दें। इसके लिए शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर को लघु सचिवालय स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में रजिस्टर लेकर बुलवाया है। ग्रामीण क्षेत्र के अधीन आने वाले 9 सर्किलों की सुपरवाइजरों ने वर्कर को रजिस्टर में स्टॉक मिलने को कह दिया है। सुपरवाइजर ने हर वर्कर से 400 रुपए लिए और कहा कि ये बात किसी को बताई तो निलंबित कर देंगे। सुपरवाइजरों ने कहा कि जिन वर्करों ने रुपए दे दिए हैं उनके सेंटर की जांच नहीं होगी। यही नहीं, वर्ष 2016 से आंगनबाड़ी सेंटरों में नमक की थैली नहीं आई थी। इसके बावजूद रजिस्टर में जनवरी माह की पिछली तिथि में हर सेंटर में 22 थैली नमक की फर्जी तरीके से चढ़वा दी गई है। आंगनबाड़ी वर्करों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनको ऑडिट के नाम पर डराया जा रहा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी जबरन पैसे लिए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का वर्ष 2009 के बाद ऑडिट हो रहा है। इसके लिए 2009 से 2018 तक आंगनबाड़ी सेंटरों का ऑडिट होगा। लगभग 9 साल का ऑडिट होने में कई अधिकारियों व कर्मचारी भ्रष्टाचार के जाल में उलझ सकते हैं। सीडीपीओ महिला एवं बाल विकास नरवाना बिमला देवी का कहना है कि आंगनबाड़ी वर्करों से ऑडिट के नाम पर 400 रुपए वसूलने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है, वे कार्यालय में नहीं आई हैं। हर आंगनबाड़ी सेंटर का ऑडिट किया जाएगा, अगर पैसे वसूले गए तो उनको वापस कराए जाएंगे, जो कर्मचारी उनमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है हरियाणा के जिनसे, यहाँ पर ऑडिट के नाम पर 400 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लिए जा रहे हैं। दोस्तों इस तरह की धांधली बहुत देखने को मिलती है, ज्यादातर विभागों में इस तरह की धांधली देखने को मिलती है। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, क्या आपके यहाँ भी इस तरह की धांधली आपके सामने कभी आई या फिर नहीं आई? नीचे कमेंट बॉक्स मिलाकर जरूर लिखेगा, जिससे कि पता चलेगा कि किन किन क्षेत्रों में इस तरह की घोटाले चल रहे हैं। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है बिहार के गोपालगंज से। स्कूटी से घर लौट रही आशा कार्यकर्ता पर बदमाशों ने फेंका तेजाब। बिहार के गोपालगंज से एसिड अटैक की घटना सामने आई है। मामला आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ा है, जो उसका गाँव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से लौट रही थी। इसी दौरान आशा कार्यकर्ता के शरीर पर 2 युवकों ने एसिड फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई है। इसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला उसके मायके वालों से जमीन संबंधित विवाद को लेकर है। मिली जानकारी के अनुसार हथुआ थाना क्षेत्र के भोजूखां के टोला निवासी जमशेद अंसारी की 32 वर्षीय पत्नी नसीमा खातून हथुआ प्रखंड अंतर्गत कांद गोपी पंचायत में आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। शनिवार की सुबह वो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांद गोपी पंचायत भवन में गई थी। वहीं कांद गोपी पंचायत भवन से डिस्कूटी से टीकाकरण अभियान में शामिल होने के लिए यादव पिपरा जा रही थी। जैसे ही वह कांद गोपी मध्य विद्यालय से जीन बाजार की तरफ बढ़ी, तभी एक बाइक पर सवार हेलमेट पहने 2 बदमाशों ने पीछे से आकर अचानक एसिड अटैक कर दिया। तेजाब का छींटा उसके स्कूटी के सीट और शरीर के कुछ हिस्सों पर पड़ा, जिससे वो झुलस गई। ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए उसे उसका गांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना का कारण पूर्व से उसके परिवार और बहनसुर के बीच चल रहा जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित महिला द्वारा हथुआ थाने और वरीय पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उक्त आशा कार्यकर्ता का जमीन से संबंधित विवाद अपने ही मायके वालों से चल रहा है, जिसे फंसाने के लिए खुद महिला द्वारा यह किया हुआ प्रतीत होता है। पुलिस जाँच में मामला प्रकाश में आया है कि जमीनी विवाद को लेकर उसका बहनसुर से भी विवाद चलता है। बहरहाल एसिड अटैक के बाद वो खुद की स्कूटी चलाकर अस्पताल गई। एसिड सिर्फ स्कूटी की सीट और उसकी जींस पैंट पर पड़ा था, उसके शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म नहीं था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर छानबीन में जुट गई है। दोस्तों बहुत अफसोस की बात है कि एक आशा कार्यकर्ता के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन दोस्तों अब देखने वाली बात होगी जब पुलिस जांच कर लेगी कि ये एसिड अटैक दूसरे के द्वारा कराया गया या फिर इनकी खुद की साजिश था। आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपकी इस मामले पर क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। बिछड़ी के आंगनबाड़ी केंद्रों को मिले स्मार्टफोन। आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हाईटेक किया जा रहा है। विकास खंड बिछड़ी के तहत 275 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रोजाना की गतिविधियों की जानकारी स्मार्टफोन पर अपलोड करनी होगी। बिजली न होने पर यह फोन बंद न हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के साथ पावर बैंक भी दिया गया है। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 22 अप्रैल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद भी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजाना की जानकारी ऐप पर अपलोड करनी होगी। इससे विभाग के पास आंगनबाड़ी केंद्रों का रोजाना का डाटा उपलब्ध होगा। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में रोजाना कितने बच्चे आते हैं, बच्चों को कितनी मात्रा में पौष्टिक आहार दिया जा रहा है और कैसे बच्चों की देखभाल की जा रही है स्मार्टफोन के माध्यम से, इन सब के बारे में पता चल सकेगा। इस संबंध में सीडीपीओ एचडी भाटिया ने बताया कि पिछड़ी खंड के 275 आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, इसके लिए 22 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश के बिछड़ी से। यहां पर 275 कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के साथ साथ यहां पर पावर बैंक भी दिया गया है, ताकि लाइट ना होने की कंडीशन में वो अपने मोबाइल को पावर बैंक से चार्ज कर सके। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी बताइए, आपके यहाँ स्मार्टफोन
स्मार्टफोन वितरित हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, और अगर स्मार्टफोन वितरित हुआ है तो उसके साथ क्या आपको पावर बैंक मिला या फिर नहीं मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, चुनावी सीजन में ठिठक गया पंजीकरण। लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से पहले आनन फानन में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की रफ्तार ठिठक गई है। चुनावी माहौल में पंजीकरण में तेजी नहीं नजर आ रही है। अब तक केवल 5375 श्रमिकों के पंजीकरण हुए, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ दिया जाना। श्रमिकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 60 वर्ष की आयु से उन्हें प्रतिमा 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। श्रमिक किसी भी जन सुविधा केंद्र से योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत मानदेय पर काम करने वाले रोजगार सेवक तथा मनरेगा श्रमिकों का भी पंजीकरण होना है। स्वास्थ्य विभाग के तहत आशा वर्कर मानदेय पर कार्यरत है, इनका भी पंजीकरण होना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, होमगार्ड एवं पीआरडी जवानों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों की आय 15000 रुपए प्रति माह तक होनी चाहिए। योजना में पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को वर्षों बाद जाकर लाभ मिलना शुरू होगा। यदि श्रमिक की आयु 18 वर्ष है तो उसे 42 साल बाद पेंशन मिलनी शुरू होगी। 40 साल की आयु में पंजीकरण कराने वाले को 20 साल बाद योजना का लाभ मिलेगा। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को अलग अलग आयु के हिसाब से योजना में योगदान करना होगा। यदि श्रमिक की आयु 18 वर्ष है तो उसे प्रति माह 55 रुपए जमा करने होंगे। 30 वर्ष की आयु पर 105 रुपए तथा 40 वर्ष की आयु पर 200 रुपए प्रति माह जमा कराने होंगे। इसके अलावा अलग अलग आयु वाले श्रमिक के लिए अलग अलग सहयोग राशि निर्धारित की गई है। इतना ही योगदान केंद्र सरकार भी देगी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा से कनेक्टेड है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। यहाँ पर चुनाव की आचार संहिता की वजह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो पंजीकरण होना थे उनकी स्पीड कम हो गई है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका अभी तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण हुआ या फिर नहीं हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के उमरिया से, इलाज के लिए ग्रामीण को करनी पड़ती है मशक्कत, नदारद रहता है स्वास्थ्य विभाग का अमला। जिले की आधी से अधिक आबादी जंगलों व पहाड़ों के बीच निवास करती है, जहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर महज कोरम पूर्ति की जाती है और उसी के भरोसे यहां निवास करने वाले अधिकांश आदिवासी परिवार जीवन यापन कर रहे हैं। सड़क बिजली व पानी के साथ ही लचर स्वास्थ्य व्यवस्था इन ग्रामीणों के लिए अभिशाप बनी हुई है। ऐसी ही विकट समस्याओं से जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसे ग्राम कांचोदर में निवास करने वाले लोग जूझ रहे हैं। आलम यह है कि 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला आज दिनांक तक नहीं खुला है। आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अकारण ही यहां निवास करने वाले लोगों को मौत के मुंह में धकेल देती हैं। जिम्मेदार अपने दायित्वों के निर्वहन से कतराते हैं और जनप्रतिनिधि 5 वर्ष में एक बार ही वोट मांगने इनके पास पहुंचते हैं। ऐसे हालातों के बीच संघर्ष कर रहे सैकड़ों परिवार जिम्मेदारों व जन प्रतिनिधियों को कोसने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आई है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, वाहन के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों की नहीं हो पा रही जाँच, केवल एक सीडीपीओ के पास गाड़ी है, बाकी 9 सीडीपीओ पैदल है। वाहन के अभाव में ये अधिकारी अपने क्षेत्र के केंद्रों की जांच नहीं कर पा रहे हैं। इससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ रहा है। शासन ने पूरा तो नहीं लेकिन कुछ वाहनों के लिए बजट दिया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। इससे यह राशि मार्च क्लोजिंग के समय शासन को सरेंडर करनी पड़ी थी। यह स्थिति बाल विकास एवं पुष्टार विभाग की है। जनपद में 1458 आंगनबाड़ी केंद्र व 307 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। वहीं 10 बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी व नाथनगर की सीडीपीओ के पास गाड़ी है, बाकी 9 सीडीपीओ के पास वाहन नहीं है। इसके कारण ये अधिकारी अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच नहीं कर पाते हैं। वहीं हर माह 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 तारीख को ममता दिवस, 25 तारीख को लाडली दिवस मनाया जाता है, इसमें भी ये नहीं पहुंच पाते हैं। यही नहीं, इस जिले में कुपोषित बच्चे 12000 व अति कुपोषित बच्चों की संख्या 5736 है। इन्हें समय से पोषाहार मिल रहा है या नहीं, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी एकत्र करने में इन्हें कठिनाई होती है। बीते वित्त सत्र 2018-19 में जुलाई से मार्च तक 9 माह के लिए शासन ने 10.80 लाख रुपए बजट किराए पर 6 वाहन चलाने के लिए मिला था। प्रति वाहन 20000 रुपए प्रति माह की दर से यह राशि आवंटित की गई थी। इसके उपयोग न होने से धनराशि मार्च क्लोजिंग में सरेंडर कर दी गई। डीपीओ सुश्री विजय श्री ने कहा कि इस सत्र में बजट मिलने पर इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुर से, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नहीं मिल रहा भोजन, जांच के फेर में रोका भुगतान। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को एमडीएम न मिलने की शिकायत के बाद डीपीओ ने भुगतान रोक दिया है, जबकि मामले में जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही संबंधित स्वयं सहायता समूहों को एमडीएम का भुगतान किया जाएगा, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कराल सहित अंचल भर में संचालित डे केयर सेंटरों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर एमडीएम न बांटने की शिकायत डीपीओ रतन सिंह तक पहुंची, जिसके चलते उसमें जांच का आदेश दिए गए। साथ ही सुपरवाइजरों व सीडीपीओ को फील्ड में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। बीते साल भी इसी माह में एमडीएम को लेकर शिकायतें बढ़ी थी, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने भुगतान काटने के निर्देश दिए थे। अब शिकायत के बाद डीपीओ ने मामले की जांच तक जाने का फैसला जांच के जरिए किया है, जिसमें कराहल में चल रहे स्वयं सहायता समूहों के भोजन को लेकर जांच की जाएगी, जिसमें गांव स्तर पर भोजन बंटने की जानकारी जुटाई जाएगी। ग्रामीणों बयानों के आधार पर पूरी होगी इस जांच को। अगले माह भुगतान के लिए मिलने वाले बजट से पहले पूरा कर लिया जाएगा, ताकि बजट मिलने पर जांच के आधार पर ही भुगतान किया जा सके। तो दोस्तों
आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।